माय न्यू ब्लॉग ज्योति बजवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज है सफाई, मतलब दिवाली की सफाई का लास्ट दिन है आज, क्योंकि कल पेंट हो गया था। तो आज दरवाजों में होना था, तो दरवाजे में, ग्रिल में, तो सब पेंट हो गया है। बस आगे का मेन डोर बचा हुआ है, तो उसी में ही कर रहे हैं। तो अभी घर भी हमारा फैला हुआ है और मोनी जा रही है अपने बाल कटाने के लिए। ये देखो बाल कैसे हो रहे हैं, दोस्तों के बाल आना है। इसके पता नहीं कौन से दोस्त हैं जो दोस्त ही लगा रही है इसने, पता नहीं कहाँ फैला रही है। क्या दोस्त इस उम्र में इसके ऐसा हो रही है? ये कमरा भी फैला हुआ है और पेंट पूरे दरवाजे में हो गया। ये देखो यहाँ पूरा घर फैला हुआ है। देखो ये बैठे हुए हैं और देखो पेंट, ये दोनों दरवाजों में हो गया है। देखो सब सही, ये वाले में भी हो गया है। अब लास्ट में बचती है मेरी गाइस सफाई। ये देखो ग्रीलों में भी हो गया सब पेंट। अब साफ साफ लगेगा ना, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आ रहा ना, तो बच्चे ये खोलते हैं तो इसमें जंग लगा था दरवाजों में ना, तो यही बार बार हाथ में ऐसे ऐसे चिपक रहा था। तो अब देखो पूरा पेंट हो गया, साफ लग रहा है। एक बार बाहर से देख के जाती हूँ। हट तो गोलू, हटो हटो हटो। ये देखो अब लग रहा है गाइस घर हमारा घर है, क्योंकि पहले ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी थी। जब हम आए थे तब पेंट नहीं करा था, तो एक डेढ़ साल मैंने ऐसे ही काटा। उसके बाद मैंने कहा इस दिवाली में तो कराएंगे, क्योंकि देखो लोग आते भी हैं ना दिवाली के टाइम, दिवाली में आते भी हैं, तो कैसा लगेगा, घर गंदा रहेगा तो साफ़ सफाई नहीं रहेगी। जितना हो पाया था उतना करा। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया इसके पापा से कि इस साल तो पेंट ही कराएंगे हम। तो हमारे ओनर जी भी अच्छे हैं, उन्होंने पेंट करवा दिया है और खर्चा सब उन्हीं का ही लगा है जो भी है मतलब। और अच्छा लग रहा है अब घर को, अच्छे से लोग आएंगे तो अच्छी देखेंगे, अच्छा वो होता है ना, दिवाली का टाइम है। और आज अष्टमी है गाइस। मोनी ने कंची का भी मतलब एक जगह तो चले गई है, दूसरी जगह से आ गया है खाना, तो वो खाना इसके पापा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अभी शाम को आज गरबा भी है, तो उसकी भी मैंने तैयारी करनी है। मैं सोच रही हूँ लहंगा या लांचा कुछ भी ऐसा डालूँ आज शाम को। कल जागरण था, तो जागरण में मैं ना ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाई, पर जागरण बहुत अच्छा हुआ था। तो मेरे दोस्त लोगों ने वीडियो बनाई है, तो उन्होंने वीडियो सेंड करी है, तो वो मैं डालूंगी ब्लॉग पे, आप लोग पूरा देखना उसको, बहुत इन्जॉय करना। तो एक दो लोग जो मेरे साथ के दोस्त लोग हैं ना, वो तो कोई 5:30 बजे, कोई 3 बजे, कोई 2 बजे रात आ गया था, पर हम गए थे 12-1 बजे के टाइम में। हम भी 12-1 बजे आ गए थे, जल्दी आ गए थे, क्योंकि मोनी सोई हुई थी और गोलू था, और गोलू को हाथ में पकड़ा था, तो वीडियो भी नहीं बन पा रही थी, और थोड़ा सा भीड़ भी ज़्यादा थी वहाँ पर ना, पीछे की साइड को ही थी मैं इसीलिए। तो जो दोस्तों ने वीडियो दी है वही मैं ब्लॉग में डालूंगी। और गोलू आजा बेटा, नवरात्रि से ही मतलब मतलब रौनक होने लग जाती है दिल्ली में ना। बाहर जाओ इतनी सारी रौनक है, मतलब सब सोसाइटियों में जागरण मेला टाइप का लग रहा है। आओ चलो गोलू, पापा जा रहे हैं बेटा। अभी मोनी के ना बाल कटवा लेते हैं, मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है, अभी नहाना धोना है, थोड़ा सा घर की सफाई कर लूँ ना, कपड़े तो धो लिए हैं और भी धोने हैं। आओ जल्दी आओ, बस। तो चलो चलते हैं, पेंट तो हो गया, मतलब पेंट का काम पूरा फाइनल हो जाएगा और आज सारा काम हो जाएगा, तो तब उसके बाद अच्छे से सफाई करूँगी, फिर डेकोरेट तो होते रहेगा, डेकोरेशन ना घर का। हाँ छिची करिए, अभी मैं करूँगी साफ, चलो अंदर को। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले काम वाम निपटा लेती हूँ ना अपना, कि नहीं तो दिन में दिखाने को कुछ होगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर शाम को ही गरबा दिखाऊंगी आप लोग को अपने वहाँ का। गरबा में बहुत इंजॉय करेंगे, मतलब जैसा भी होगा आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, मिलो। अभी बज गए हैं शाम के 7:20 हो रहा है, पीछे टाइम देख सकते हैं। और अभी ना वहाँ तैयारी हो गई है, और मैंने भी नहा धो लिया था, मैंने तो पहले ही नहा लिया था, थोड़ी खाना खाया दिन में, मतलब सारा काम हो गया है, और
पर्दे वर्दे लगा दिए मैंने सारे, और क्या कहते हैं थोड़े से कपड़े फैले हुए हैं वाले बेड में, तो मैं कल को करूँगी, अभी नहीं है टाइम इतना। तो बच्चे हो गए हैं रेडी, बच्चों को दिखा देती हूँ मैं आपको। और आज मैच भी आ रहा है, ये देखो हाय करो। अभी सोफे के भी कवर नहीं लगाए हुए हैं मैंने, वो मैं बाद में लगाऊंगी। ये दोनों तैयार हो गए देखो, अब मैं भी हो जाती हूँ, मैंने भी कपड़े निकालने हैं अपना, मैं भी लांचा पहन के जाऊंगी। तो अब मैं तैयार होकर आपको अपना लुक दिखाती हूँ। ओके सो गाइस, मैं भी हो गई हूँ रेडी गरबा में जाने के लिए, और मैंने ये वाला लांचा वेयर करा हुआ है। और वहाँ अभी आरती होके गरबा चालू हो गया है, तो हम भी चल रहे हैं, हम लोग सब लोग तैयार हो गए। हाय बोलो, यहाँ को देखो मुनी, हाय। चलो चलते हैं और बाहर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को।
रास्ता है। मैं निकला गड्डी लेके गाइस हम आ गए हैं घर और अभी बज गए हैं 10:30। मतलब बहुत घंटे तक लड़कियों को दिया था डांस करने के लिए, फिर आधा घंटा लड़कों को दिया, अब आधा घंटा लड़कों ने करा है। 11 बज गए होंगे, हाँ तो 11 बज गए। अब डीजे बंद हो गया है और 8 बजे से चला था शायद, 8 या 8:30 बजे से चला था। 10:30 बजे तक लड़कियों को डांस करने को देते हैं, आधा घंटा लड़कों को। तो मैं भी, हम लोग आ गए बच्चे लोग, और इनके लिए पराठे बनाती हूँ। खाना नहीं खाया था, 6 बजे ही हमने दिन का खाना खाया था, आज लेट हो गया था। तो अब रात का खाना बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा इनके लिए पराठे और सब्ज़ी बना देती हूँ और वो खाएंगे और हम भी खाते हैं। और ये वाले ब्लॉग को बहुत इन्जॉय करना, बहुत लोग मिले थे, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है गरबा में डांस करने में ना, अच्छा लगता है, मुझे तो डांस का वैसे ही शौक है। तो ये वाले ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमारे वहाँ का गरबा है सोसाइटी का, तो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना। हाँ गाइस, अच्छा लगा तो, अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, नहीं लगा तो भी कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय गाइस, ज़्यादातर तो आप लोग को अच्छा ही लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय गाइस, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट।